अस्सलाम वालेकुम, मैं सुलेमान जट फ्रॉम होर पाकिस्तान हियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक SMS लेके हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग SMS। SMS की वो एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त, वो इतनी कमाल की है कि उसमें आप स्टिकर्स, थीम्स और उसको आप बाय भी कर सकते हैं और फ्री भी डाउनलोड की जा सकती है। प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, आप इसको फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टिकर्स, थीम्स और भी इसमें बहुत कुछ है। तो दोस्तों चलें, मैं टाइम ना ज़ाया करते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जिन नए आने वाले दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। ये देखिए, ये कन्वर्ट राइट SMS, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से मैसेज लिख सकते हैं। ये देखिए, नेम और नंबर स्वाइप किया मैंने, इधर ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ से ऐड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐड अटैच, यहाँ से कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। टाइप टू कंपोज, यहाँ से कंपोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है दोस्तों, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल में एप्लीकेशन मिलती है वहाँ पे हमें सबसे जो बड़ा फीचर है वो उसमें हमें सिग्नेचर का नहीं मिलता। तो दोस्तों आप इसमें सिग्नेचर भी लगा सकते हैं, तो इसलिए आज मैं इसका रिव्यू करवा, सिर्फ मैं सिग्नेचर की वजह से इसको रिव्यू करवाने के लिए लाया हूँ कि मोस्टली लोग चाहते हैं कि हम अपने मैसेज के नीचे सिग्नेचर लगाएँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि सिग्नेचर कहाँ कैसे लगाते हैं। तो ये देखें, मैं ये देखें इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपके सामने मैंने लेफ्ट साइड पर मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मुझे दिखा बैकग्राउंड। सबसे पहले हम ऊपर से हटते हैं नीचे, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं अगर तो आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल मिल जाएगी। आप इसको गौर से सुन ले, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल, ये नंबर, ये डायल, यहाँ से आप डायल भी कर सकते हैं, कॉल, सेंड मैसेज, यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हैं। बैकग्राउंड क्लिक किया और यहाँ से आप कोई भी अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जो कि मुझे फ़िलहाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लगाऊँगा। चूज़ फ्रॉम फ़ोटो, ठीक है, सेट बैकग्राउंड, ठीक है, जब यहाँ से रेकमेंडेड। तो मतलब ये तीनों तरह के हैं, आगे ये डिफ़ॉल्ट भी है, तो ये तीन चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मैं इसको बैक करता हूँ और दोबारा से हम देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और बैकग्राउंड नोटिफिकेशन जी। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने जो नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ से रिंगटोन कर चेंज कर सकते हैं, ये प्राइवेसी मोड है आपका, ठीक है, इसको आपकी मर्जी, इसको इनेबल करें ना करें, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये नोटिफिकेशन आइकन जो है, ये यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी नोटिफिकेशन का ज़रा थोड़ा सा रिव्यू था। और ये ब्लॉक, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर सकते हैं। और अब आ गया हमारा सिग्नेचर, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कुछ भी, मैं लिख देता हूँ अस्सलाम वालेकुम, ये चले, हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम ही लिख देता हूँ, ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ space dash dash m m dash dash
ठीक है, ये भी मैं इस्लाम ओ अभी मैं लिखता हूँ ये देखें अस्सलाम वालेकुम ये मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओके कर दूँगा सिग्नेचर, ये ओके कर दिया। अब मैं इसको बैक करके देखता हूँ तो ये देखें आप देख सकते हैं नीचे अस्सलाम वालेकुम आ चुका है। एहतियातन मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है, मैं इसको ले कहता हूँ स्टार्ट पर। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैसेज लिखूँगा एच, मैं लिखा। अच्छा दूसरी बात सबसे बड़ी दोस्तों इसमें मजे की है कि इसमें ये नहीं ढूंढना पड़ता कि सिम वन सिम टू, ये देखें ये साइड पे सेंड बटन सिम वन और ये सेंड बटन सिम टू, यहाँ से आप ऐड इमोजीज यहाँ से इमोजीज लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये देखिए ये मैंने सेंड कर दिया ना, you will not be able to use some features of Samsung applications if you set Go SMS Pro instead of messages as your default messaging application. Ji. Setting Go SMS Pro as your default messaging application may also affect your ability to send Ji. And receive messages, in which case Samsung shall not be responsible or liable. जी, Samsung इसमें कह रहा है, यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है, वो कह रहा है कि ये आपकी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट नहीं है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जाकर पहले सेटिंग से सेट करें। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ, मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ रही है यस, मैं इसको यस कर दिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पे आ चुका है हेलो, हेलो दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ, अब ये देखिए मेरा मैसेज प्रोसेस में जा चुका है और भी आपको देखेंगे सेंडिंग भी होता हुआ नज़र आएगा, सही हो गया, हेलो अस्सलाम वालेकुम ये सेंड हो चुका है। तो ये थे दोस्तों आज का ज़बरदस्त टिप, और इसके अलावा अगर आपने देखने हैं इसके वो स्टिकर्स वगैरह, इस पर क्लिक किया ये देख सकते हैं आप, ये देखें यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये देखें होगा लोडिंग फेल्ड प्लीज रिफ्रेश करें, ये इंटरनेट पे होगा ऐसा नहीं होगा, ये कॉन्टेक्ट है मेरे, ये टू फिंगर से जिस तरह हम स्वाइप करते हैं ना वैसे मैं स्वाइप कर रहा हूँ लेफ्ट राइट। तो ये देखें आगे, ठीक है, वी आई पी नो एड्स फ्री थीम्स, ठीक माय थीम्स एंड स्टिकर, ठीक है। अब यहाँ सेटिंग देख सकते हैं, मैं जरा पहले आगे जाता हूँ क्या क्या इसमें, अच्छा ये लास्ट है इसका, सही है, यहाँ सब ब्लॉक्स ब्लॉकर जो है वो देख सकते हैं। सेटिंग पर हम चेक करते हैं सेटिंग में क्या है, अपीयरेंस नोटिफिकेशन जर्नल नाइस, इसमें कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन भी है, इसमें सिक्योरिटी भी है वो जी दोस्तों। तो नेक्स्ट सेटिंग की वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब आप लोग मुझे इसका अच्छा फीडबैक देंगे और मैं आपके इसी अच्छे फीडबैक को लेकर जो है वो मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जो वीडियो है वो तैयार करूंगा। बहरहाल मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा इस स्क्रीनशॉट के बाद ही मैं आपका रिजल्ट देखूंगा, वीडियो वॉच इसके बाद वीडियो उसके ऊपर कमेंट आप मुझे करें, ठीक है, इसकी सेटिंग मैं आपको फिर दोबारा से इसकी करवाऊँगा और पूरी सेटिंग बताऊँगा कि इसमें करना क्या और है क्या असल में ये चीज़। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये इसका पार्ट वन है, पार्ट टू इंशाल्लाह मैं दोबारा बनाऊँगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो दोस्तों फिर जाते मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो दोस्त नए आते हैं या फिर जो लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट वॉच करें ताकि उनको वीडियोस की अंडरस्टैंडिंग हो सके। थैंक यू, आई होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू।